हाय हेलो फ्रेंड, माय नेम इज जीबी पटेल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ केमिस्ट्री में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेस्ट टॉपिक पर। तो ये वीडियो मैंने बनाया है मेरे ऑल स्टूडेंट के लिए और जो स्टूडेंट 11 और 12th में है उसके लिए। तो मेरा आज का टॉपिक है पी ब्लॉक। तो ये जो पी ब्लॉक आपको दिखाता हूँ तो उसमें हम डिटेल में आज जाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया ये वीडियो बनने वाला है। तो आप जानते हो अभी 3 एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, नीट, जी और घुसकेट। तो मैंने इस तीनों एग्जामों को कवर करने के लिए पी ब्लॉक का एक बेहतरीन वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। तो जुड़ जाइए मेरे साथ फुल ऑफ एनर्जी के साथ और हम आसानी से ये पूरे पी ब्लॉक को याद रख सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन एक एक ग्रुप की देने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट 13 नंबर का जो ये ग्रुप है उसको हमें रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने बढ़िया एक की बनाई है और आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, उतना याद रखना है कि वो छोटे बाल गणेश होते हैं वो थाईलैंड में है। कहाँ है? थाईलैंड में। तो आपको याद रखना है बाल गणेश इन थाईलैंड। क्या याद रखना है? बाल गणेश इन थाईलैंड, बस इतना याद रखना है। तो 13 नंबर का ग्रुप है वो आपका रेडी हो गया है। और इसके बाद 14 नंबर का जो ग्रुप है, 14 नंबर के ग्रुप को याद रखने के लिए कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, शिव जी की फैमिली को याद कीजिए। शिव यानी कि बोले शंकर, शंकर भगवान की जो फैमिली है उसको याद कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। कौन कौन है? कार्तिक, शिव, पार्वती, गणेश, इतने हैं। ओके, तो आपको बहुत आसान सिंपल भाषा में याद रखना है। क्या याद रखना है? कार्तिक, शिव, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। क्या याद रखना है? कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। बस आपका 14 नंबर भी इजी हो गया। उसके बाद जाते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में याद रखने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में हम नज़र करते हैं तो दो मुख्य कलाकार हैं। कौन? एक नाना पाटेकर और दूसरी कौन कौन कौन? ऐश्वर्या। ओके, ऐश्वर्या और नाना पाटेकर एक वायरस के शिकंजे में आ जाते हैं और वायरस का उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, इसके हिसाब से वो बीमार पड़ते हैं। ओके, अभी अभी आप जानते हैं कि चीन का एक वायरस चल रहा है कोरोना, वो नहीं मगर कोई एक साधारण बीमारी उनको होती है। नाना पाटेकर और ऐश्वर्या वो बीमार हो गए और ऐश्वर्या बीमार पड़ी तो उसके साथ दूसरे कौन कौन बीमार हुए? हाँ, आपको याद आ गया, सलमान खान और अभिषेक बच्चन, वो दोनों भी बीमार हो गए हैं क्योंकि ऐश्वर्या बीमार है। तो आपको आसानी से याद रखना है। क्या याद रखना है? नाना पाटेकर एस सब बीमार। नाना पाटेकर तो बीमार है, ऐश्वर्या भी बीमार है, उसके संग संग दो अदर बीमार है, तो नाना पाटेकर एस सब बीमार। ओके, तो आपका ये ग्रुप भी रेडी हो गया और इसके बाद 16 नंबर का ग्रुप अब हमें रेडी करना है। तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपकी मदर है, आपकी मदर आप पे बहुत गुस्सा है, भाई आप आज टिपने वाले हो, और इतने में आपके पापा आते और मदर आप पर गुस्सा आती, बहुत ही गुस्सा। ओके, मदर गुस्सा आती और पापा आते, पापा देख रहे हैं क्या कर रही है मदर, तो मदर आप पे गुस्सा हो रही है, वो आपको डांट रही है, टिप रही है। जो वो टिप रही थी तो उतने में पापा आए, तो पापा ने क्या किया, पापा ने एक डंडा लाए और दिया मदर को कि लो इससे इसे टिपो, इस नालायक को टिपना है तो इससे टिपो। तो क्या किया फादर ने? उससे टीपो, बस आसान है, ये की थी यार, सॉरी मैंने आपकी थोड़ी मजाक उड़ाई हो तो सॉरी उसके लिए, मगर ये की थी इसलिए मुझे ऐसा रमूजी फनी सीन करना पड़ा। ओके, तो याद क्या रखना है? उससे टीपो। क्या याद रखना है? उससे टीपो, बस आसान है। और आप देखिए, देखते देखते आपका 16 नंबर का ग्रुप भी रेडी हो गया। उसके बाद 70 नंबर के ग्रुप में जाते हैं। 70 नंबर का ग्रुप जो आपको रेडी करना है, तो 70 नंबर में आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास कार नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है खुद की। ओके, तो आप घूमने, कई कबार घूमने जाते होगे, तो घूमने जाते हो तो क्या करते हो, आपके पास कार नहीं है तो आप ऑटो से जाते हो
या टैक्सी से जाते हो, मान लीजिए आप ऑटो से जाते हो, एक बार घूमने के लिए गए ऑटो से, मज़ा आ गई, आप वो ऑटो वाला आपका फ्रेंड हो गया, दूसरी बार भी उसको लेके आप गए, तीसरी बार भी उसको लेके गए, तो अब जब कभी भी आपको जाना होता है तो उसको कॉल कर देते हो ऑटो वाले को, ऑटो वाला घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है, तो आपकी की यहाँ से निकलती है, क्या निकलती है, फिर कल बाहर आई ऑटो, क्या निकलती है, फिर कल बाहर आई ऑटो। आसान है ना, बहुत ही आसान है। तो नंबर का ग्रुप भी आपका रेडी हो गया, तो अब हम जा रहे हैं 18 नंबर के ग्रुप पे। तो 18 जो नंबर का ये ग्रुप है उसके लिए भी बढ़िया की है, आपने महाभारत तो देखी होगी, देखिए ना, हाँ तो देखी होगी, ओके। तो महाभारत में, महाभारत किस कौन कारण है जिसकी वजह से महाभारत हुई, भारत किसके कारण हुई, द्रौपदी के कारण। तो द्रौपदी के कारण महाभारत हुई, मगर द्रौपदी उस टाइम पे बहुत गुस्सा थी, समझ लीजिए, और ये सब वो पांडव सब हार गए उसमें जुए में। तो उसके बाद द्रौपदी के कक्ष में अर्जुन जाता है और द्रौपदी बहुत ही गुस्से में थी, बहुत ही इतना गुस्सा था उसके दिमाग में कि ना पूछो बात। अब जब अर्जुन उसके पास जाता है तो द्रौपदी उस टाइम पर एक बढ़िया सेंटेंस बोलती है, क्या बोलती है, तो हे नालायक अर्जुन, कौरव को जाके रुला, क्या बोलती है, हे नालायक अर्जुन, कौरव को जाके रुला, जा जा का मतलब होता है जीनोन, जीनोन एक्सी एक्सी जीनोन, ओके। तो कौरव का जाके रुला, ऐसा कुछ सेंटेंस, तो आप समझ लीजिए देखते देखते आपका 18वां ग्रुप भी, यानी कि 18 ग्रुप भी रेडी हो गया, ओके। तो ऐसे आसानी से हम पी ब्लॉक को रेडी कर सकते हैं विथ इन 5 मिनट में, ओके। तो आप भी ये प्रैक्टिस कीजिए, अगले मेरे वीडियो में इसके हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट पर हम चर्चा करेंगे।